शौर्यम अनुसंधान संस्थान वाराणसी के तत्वाधान में आज ये तीसरा व्याख्यान है। आज हमारे समक्ष जो विशिष्ट वक्ता हमारे परम आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर रमेश प्रसाद पाठक गुरुजी, आप विभागाध्यक्ष संकायाध्यक्ष शिक्षा विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली, आपके द्वारा लगभग 38 बच्चे आपके अंदर पीएचडी डिग्री अवार्ड हो चुकी है। इसके साथ साथ आपके अंदर 10 एमफिल 35 एमएड लड़के आपके अंदर कर चुके हैं। आप बहुत से संस्थाओं के आप मेंबर और बोर्ड में आप मेंबर के रूप में, जैसे ISSR, KBS, NCTE, UGC, NAAC, IGNOU इत्यादि बहुत से संस्थाओं में आप मेंबर के रूप में हैं। आपके द्वारा 110 पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें 5 एडिटर के रूप में इत्यादि। गुरु जी के बारे में क्या कहें, बहुत से संस्थाओं में आप मार्गदर्शन, बहुत से बच्चों को सहदय आप मार्गदर्शन करते रहते हैं। आपका गुरु जी संयोजक के रूप में, मैं डॉक्टर राजकुमार की तरफ से आपका संस्कृत शौर्यम परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर नीलाभ तिवारी गुरु जी, उनके द्वारा भी मेरे हम आपका उनके तरफ से भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। संस्कृत शौर्य अनुसंधान संस्थान इस परिवार के जो मेंबर हैं उनके तरफ से भी मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। संस्कृत शौर्य के जो हमारे श्रोता हैं उनके द्वारा भी मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और जो हमारे इस श्रोतागण हैं उनका भी मैं संस्कृत शौर्य अनुसंधान संस्थान के द्वारा आपका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आइए आज का जो व्याख्यान का जो विषय है उस विषय पे चर्चा कर लेते हैं। आज का विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा। इस जो बृहद विषय है इस पे हम लोग एक एक टॉपिक पे व्याख्यान कर रहे हैं। आज जो गुरु जी की जो श्रीमुख से हम लोग आज व्याख्यान सुनेंगे उसका विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आइए हम लोग गुरु जी के श्रीमुख से, गुरु जी के श्रीमुख से जो निकलेगी वह शब्द प्रमाण है, और आइए हम लोग गुरु जी के आशीर्वाद वचन के रूप में कुछ सुनते हैं। धन्यवाद। तीक्ष्णम वंदे जगत गुरु। धन्यवाद डॉक्टर राजकुमार जी और इस संस्कृत शौर्यम के अध्यक्ष मेरे शिष्य प्रोफेसर नीलाभ तिवारी जी, संस्कृत शौर्यम परिवार से जुड़े सभी लोग और जितने भी इस ई पोर्टल से जुड़े हुए हैं सबको मेरा नमस्कार। भारतीय ज्ञान परंपरा की जब बात करते हैं हम, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जब पूरा एक प्रारूप तैयार किया जा रहा था तो उसमें एक बड़े मनन चिंतन की बात यह आई थी कि नीति तो बनने जा रही है, क्या है भारत को सही दशा दिशा दे सकेगी? तो मैं बड़े अतीत की बात थोड़ा सा करना चाह रहा हूं, आजादी के बाद से लेकर के और आज तक का मतलब 2-3 सालों से छोड़कर जब नीति का वो बना उसके पहले तक हमारा इतिहास, दर्शन, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान जितने भी विषय हैं और सबसे ज्यादा इतिहास को एक पूर्व नियोजित योजना के तहत जो है बहुत तोड़ा मरोड़ा गया। इस नीति के तहत एक बहुत बड़ी बात उठी कि हम इस नीति के द्वारा भारत की भारतीयता को, भारत के गौरव को, और जो हमारे यहां विश्व गुरु की एक परंपरा थी उसको पुनः जागृत करें। और इस पूरी नीति के जो
विचारणी बिंदु हैं उनमें यही भारतीय ज्ञान परंपरा है। तो पहले मैं थोड़ा सा नीति के बारे में चर्चा कर लेता हूं, उसी के संदर्भ में चूंकि दोनों की बातें हैं। नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ जब बात करते हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पहले दो, आप सबको पता होगा कि 1986 में एक पॉलिसी आई थी, बहुत सारे कमीशन बने थे, 1968 का कोठारी का बना था। ऐसा नहीं कि नीतियां अच्छी नहीं थी या खराब थी, सभी नीतियां अच्छी थी, लेकिन जब कार्यान्वयन की बात आई तो बहुत सारी चीजें कार्यान्वित नहीं हो पाई। और शायद मैकाले का जो मिनट था, वो जो दृष्टिकोण उसने शिक्षा पर रखा था, वो चलता आया। इस नीति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई थी कि हम नीति के द्वारा भारत के लोगों को, भारत के विद्यालयी शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, अध्यापक शिक्षा को ऐसे सांचे में ढालें हम जिसमें एक अच्छा भारतीय बन करके निकले, जो संस्कारवान हो, विचारवान हो, ज्ञानवान हो, भारत की अस्मिता, भारत की संस्कृति और भारत का जो था, जो सबसे बड़ा श्रेय गान था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, आरोग्यवान भी बने। तो इस नीति में कुछ है जो यह नीति बनाई गई, आप सबको पता होगा कि 29 जुलाई 2000, बहुत सारे इस पर डिबेट, बहुत सारे इस पर वेबिनार हुए। इस नीति के जो शिल्पकार थे प्रोफेसर कस्तूरी रंजन जी, बहुत बड़े वैज्ञानिक, पद्मश्री रहे हैं। पूरी नीति को 5 स्तंभों पर आधारित किया गया, 5 पिलर्स पर। पहला इसका स्तंभ है, पिलर है एक्सेस, जिसको कहते हैं सब तक पहुंच। दूसरा इसका स्तंभ है इक्विटी, जिसको हम बोलते हैं समता। तीसरा है क्वालिटी, जिसे हम गुणवत्ता कहते हैं। चौथा स्तंभ है इसका अफोर्डेबिलिटी, इसको हम बोलते हैं किफायती। और लास्ट और अंतिम जो इसका पिलर है, वह है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। इस पूरी नीति को भारतीय ज्ञान परंपरा के परिप्रेक्ष्य में 5 स्तंभों पर इसको खड़ा किया गया, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब तक की जितनी नीतियां थी उसमें जवाबदेही की बात नहीं थी। और इसके 4 महत्वपूर्ण भाग रहे, जिसमें विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, अन्य केंद्रीय विचारणी मुद्दे और क्रियान्वयन की रणनीति। ये जो 4 भाग हैं, अगर इनको ध्यान से देखा जाए तो हर भाग में कहीं न कहीं भारतीयता को जागृत करने की बात कही गई है। शब्द अलग अलग हैं उनके, अलग अलग रूपों। इस पूरी नीति में 27 आर्टिकल कहिए, 27 अध्याय कहिए, 27 अध्यायों में इसको गढ़ा गया पूरा। और मुख्य जो है वह स्कूली शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, ये सब बातें हमने, और बड़े बड़े नए टर्मोलॉजी इसमें गढ़े गए। वो क्या गढ़ा गया भारतीय, तो पहले मैं थोड़ी सी नीति के बारे में करके फिर भारतीय ज्ञान पर आ जाता हूं मैं। इसमें जो मुख्य बात कही गई कि भारत को कैसे एक हम ज्ञानवान देश बनाना है, भारत को कैसे उसकी प्राचीन जो सांस्कृतिक धरोहर है, साझी सांस्कृतिक धरोहर जो रही है, भारत का जो वैदुष्य है, भारत की जो मनीषा है, भारत का जो वांग्मय है, विशेष रूप से संस्कृत वांग्मय, जो देववाणी है, और उनमें निहित जो विषय हैं, उनको कैसे और विषयों के साथ हम जोड़ करके विज्ञान को
समाज विज्ञान को, विधि शास्त्र को, कृषि विज्ञान को, जितने भी हैं, कैसे उनको हम सबको भारतीयता के साथ जोड़ें। और हमारी जो प्राचीन चौथी शताब्दी, चौथी पांचवी छठी शताब्दी में जिस विद्या के लिए हम जाने जाते थे, गौरवान्वित थे, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, उदंतपुरी, शारदा, बड़े सारे विश्वविद्यालय हैं, चर्चा का मतलब समय इसमें नहीं है। तो वहां संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती थी केवल, बल्कि शोध के आधार पर चर्चा करेंगे हम, 32, 32, 32 से ज्यादा डिसिप्लिन, 64 कलाएं थी पढ़ाई जाती। कलाओं का मतलब डिसिप्लिन थे ये। आज तक दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय में, बीएचयू में भी 30 से ऊपर, मैं बीएचयू में पढ़ा हूँ, उससे ऊपर डिसिप्लिन तो है, लेकिन 64 डिसिप्लिन किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं है। तो हम क्या थे और क्या हो गए हैं, क्या मतलब ये बातें रही कि इसको हम, तो जो नालंदा, जो इन प्राचीन विश्वविद्यालय का गौरव था, उनको कैसे पुनर्स्थापित करें, कैसे पुनः वापस लाए, तो क्या इस विषय के द्वारा हम लाएंगे या भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर लाएंगे। तो यही एक है कि उनको कैसे, उसको गौरवान्वित करें, कैसे हम उनको, भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएं, भारत की जो आचार्य महनी परंपरा रही है उसको कैसे पुनर्स्थापित करें हम। हमारे यहाँ तो था ना, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, तो आचार्य की एक मानी परंपरा है। आचार्य टीचर नहीं है, टीचर तो बहुत, शिक्षक नहीं है, आचरण के साथ है। और गुरु की तो महनी परंपरा रही ना, जो अज्ञान से, अंधकार से जो आगे ले चल रहा है, ये कैसे स्थापित हुए, क्या ये वर्तमान के जो विषय चल रहे हैं इनके आधार पर, या टीचर को हम कोई मॉडल कन्वर्ट करके आचार्य बना देंगे, या शब्दों के द्वारा बना देंगे, ऐसा नहीं। तो इन पर बड़े सारी बातें रखी गई, कुछ बातें मोटी मोटी है, फिर मैं आऊंगा। इस नीति में बड़ी महत्वपूर्ण बात विद्यालय शिक्षा के लिए कही गई कि हमें रटने रटाने के दौर से निकलना होगा, रटने के दौर से नहीं निकलना होगा। और ज्ञान, विज्ञान और कौशल, तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही गई है, ज्ञान, विज्ञान और कौशल पर बल दिया जाएगा। अब ध्यान रखिए, हमारे प्राचीन जो विश्वविद्यालय थे वो ज्ञान, विज्ञान और कौशल से परिपूर्ण थे। बड़े सारे उदाहरण, ये दो चार अभी मैं दूंगा। दूसरी बात कही गई कि 21वीं सदी की जरूरत क्या है। ऐसा नहीं कि प्राचीन को ला करके हम आज थोपी दें, प्राचीन की अपनी बातें जो महत्ता है वो भी है, और आज के दौर में क्या जरूरत है। परंपरागत और आधुनिकता का हम मिश्रण करें, हम दोनों को मिलाएं। और एक जो गलती हो गई थी, मैं भी इस समिति में था, वह था कि 1986 के पहले हमारे यहाँ शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था, पता नहीं क्या बात हुई, ज्ञान आयोग गया, ज्ञान कमीशन बना, नॉलेज कमीशन बना। मैं किसी पर इस पर टिप्पणी नहीं करना, सबकी अपनी अपनी वो है, और बहुत कुछ चीजें हमारी सरकारों पर निर्भर करता है, सरकारें बदलती हैं, नीतियां बदल जाती हैं, नीतियां लागू नहीं होती है। 86 में जो है शिक्षा मंत्रालय को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर दिया गया। और ध्यान दीजिए, शिक्षा ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, शिक्षा, विद्या, ज्ञान, भाई तो बड़ी एक अलग परंपरा है, सब साधना, तपस्या, तपश्चर्या, इन सब के साथ शिक्षा जुड़ी है, ह्यूमन रिसोर्स का क्या है। तो ये खैर, ये बदला गया, आपको जानकारी होगी सबको, इस नीति का सबसे पहला जो है यही वो किया गया, अमेंडमेंट आया, 56 पेज का रिपोर्ट तैयार किया गया था, वो भी नासा के साइंटिस्ट रहे प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी, तो उनके साथ मिल करके ये हम लोग तैयार किए थे, 56 पेज का। खैर, इस नीति में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई रटने रटाने के, क्या सोचें के स्थान पर कैसे सोचें हम, ध्यान रखिएगा, व्हाट वी टीच नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ टू टीच, क्या पढ़ें ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे पढ़ें ये महत्वपूर्ण नहीं है, कि क्या पढ़ाएं, व्हाट वी टीच, महत्वपूर्ण यह है कैसे पढ़ाएं। तो क्या सोचने के स्थान पर
कैसे, और याद रखिएगा ये हमारे गुरुकुलों में, हमारे प्राचीन विश्वविद्यालय में गुरुओं के पास थी। गुरु एक विषय का आचार्य नहीं होता था, पूरे जीवन का आचार्य होता था। गुरु केवल व्याकरण नहीं पढ़ाता था, बहुत सारे भी नाम आएंगे, दार्शनिक भी है, वैज्ञानिक भी है, चिकित्सक भी हैं और गणितज्ञ भी है, योग यो, योग के गुरु भी हैं और अयस्क के आविष्कारक भी हैं। तो वही बात आई, क्या सोचें के स्थान पर कैसे सोचें, क्या पढ़ें के स्थान पर कैसे पढ़ें, और क्या पढ़ाएं के स्थान पर कैसे पढ़ाएं, इन पर बल दिया गया। और बात महत्वपूर्ण रखी गई कि भारत की जो भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल किया गया है। और ये बात सच है कि जिस माटी में हम पल बढ़ करके बड़े होते हैं, जिस भाषा बोली में हम चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, माता पिता गुरु उंगली पकड़ करके जिन बोली और भाषा में हमें आगे बढ़ाते हैं, हमारे डीएनए में वही भाषा बोली जीवित रहती है, चाहे हम विदेश की कितनी भी भाषाएं सीख लें। हमारी वाणी में, हमारे विचार में, हमारी आदत में और हमारे स्वभाव में, हमारी भाषा की जो माटी, हमारी जो माटी की सुगंध है, भाषा की और बोली की जो मिठास है, वो रिफ्लेक्ट होती है। इस नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा में भी बात वही थी। भारतीय ज्ञान परंपरा में विषय बहुत सारे पढ़ाए जाते रहे हों, लेकिन स्थानीय भाषा में रिसर्च बताता है कि स्थानीय भाषा को महत्व दिया जाता था, इसीलिए इस नीति में स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा पर बल दिया गया है। और 5वीं के बाद जब बच्चा पढ़े, गांधी जी ने भी वही बात कही थी, पता होगा सबको, बुनियादी शिक्षा में, बेसिक एजुकेशन में, लेकिन वो चल नहीं पाई। तो इस नीति में कहा कि भारतीय जो भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं जो डेड हो रही हैं, उनको पुनः जीवित किया जाए और इससे जुड़ाव होगा, एक नए, इससे नए भारत की एक नींव तैयार होगी, नए भारत का निर्माण होगा और अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ने का एक अवसर मिलेगा। बिल्कुल है, क्षेत्र की बोली, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, स्थानीय खान पान, स्थानीय पहनावा, स्थानीय त्योहार, स्थानीय रीति रिवाज, इसमें जो व्यक्ति को जीवंत रूप होता है, वो अगर शिक्षा के साथ जुड़ेगी तो क्या रूप होगा। इसी नीति ने, इस नीति पर बल दिया गया है बड़े सारे त्योहारों को। मैं उनकी भाषा में बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय संदर्भ में स्थापित करने। और इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों में आत्मविश्वास जागृत होगा। विदेशी भाषाएं हमें आत्मविश्वास जागृत नहीं कर पाती हैं, प्रेशर पे रहती हैं, दबाव पे रहती हैं, प्रेस्टीज पे रहती हैं। एक सम्मान की बात हम भले, वो झूठा सम्मान रहता है। हम अपनी भाषा बोली के द्वारा जिस बात को हृदय से दूसरे के हृदय के साथ जोड़ सकते हैं, या ये कहिए कि भाषा बोली के द्वारा अपनी बात को दूसरों के हड्डियों में डाल सकते हैं, हम आत्मा तक पहुंचा सकते हैं, दूसरी विदेशी भाषाएं नहीं कर पाती हैं। तो इस नीति ने वही भारतीय ज्ञान परंपरा के परिप्रेक्ष्य में कहा कि भारतीय भाषाओं में शिक्षण अधिगम की बात हो, इससे जुड़ाव होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मगौरव बढ़ेगा और भारत की अस्मिता पुनः स्थापित होगी। संस्कृत के बारे में वो कहा गया कि आज भी दुनिया में सबसे रिचेस्ट लैंग्वेज अगर है तो संस्कृत है, लेकिन संस्कृत ज्यादा बोली नहीं जा रही, ज्यादा पढ़ी नहीं जा रही, लेकिन संस्कृत तब भी जीवित है। क्यों जीवित है कि हमारे आचार्य की महनी परंपरा, देववाणी संस्कृत का ऋषि ऋषि कल्प आचार्य इतना साहित्य लिख करके चले गए हैं कि युग युग तक वो जो है क्षीण नहीं हुआ, दूसरी भाषाओं में नहीं हो पाया। भाषाएं दूसरी बढ़ रही हैं, लैंग्वेजेस का हो रहा है टेक्नोलॉजी के कारण, संस्कृत आज जीवित है अपने रिच लिटरेचर के कारण। और ये आज का किया हुआ काम नहीं है, ये हमारे कई हजार साल पहले हमारे ऋषियों की एक परंपरा जो चली आई रही है, शिष्य की और ऋषि की परंपरा रही है, गुरु परंपरा रही है, आचार्य परंपरा रही, उन्होंने जो लिखा, जो सुना,
जो दर्शन किया, जो आत्म दर्शन किया, जो आप तो वाक्य निकाले, वो अपने में ग्रंथ बन गया, काव्य बना, महाकाव्य बना, मतलब कहने की बात नहीं है। इसके कारण संस्कृत का शौर्य, संस्कृत की गरिमा, संस्कृत की तेजस्विता, संस्कृत की अस्मिता जीवंत है और दुनिया इसको मानती है। हमने एक अध्ययन कराया, दुनिया के 56 लैंग्वेजेस, ये मेरे अध्ययन में है, पता नहीं और भी हो सकता है, 56 भाषाओं का जो है ओरिजिनेशन जो है, मैं दो चार शब्द बात करूंगा, उसमें संस्कृत से निकले। और मैं एक भाषा, फ्रेंच की भाषा, कई कई ऐसे, और भारत में तो बहुत सारे। तो इसलिए कहा गया कि ऐसी शिक्षा जो कौशल सिखाए, हमारी अस्मिता को जीवंत बनाए, और तार्किक आधार पर जो है, सबसे बड़ी बात है कि हमें मानव से, जो अरविंद का दर्शन है कि मानव से महामानव बनाना है, तो हमें मानुष से मानवता की ओर चलना है, एक ऐसा मानव बनाना है जो अपनी संस्कृति पर गर्व करे, अपनी भाषा पर गर्व करे। अब तो मानुष से मानवता और जड़ों से कैसे हम जुड़े, जड़ से जगत की ओर कैसे चले हम, जो रूट है, तो रूट तो हमें अपने परिवार, अपने जो है कुल, अपना जो है अपनी जो होती है क्षेत्र की, वही तो जड़ से जोड़ती है। और अतीत से आधुनिकता के साथ भी हमें जोड़ने की जरूरत होगी, फ्रॉम पास्ट टू मॉडर्न। ऐसा नहीं कि हम मॉडर्न को बिल्कुल इग्नोर कर दें, हर युग में, हर काल में, हर स्थान पे, हर चीज में अच्छाई होती है और बुराई होती है। अच्छा ये होता है कि हम अच्छाइयों का हर जगह से कलेक्शन करके एक संपुट बना दें। तो वही बात है कि जुड़ना होगा, और जब ये जुड़ जाएगा, नीत ने प्रयास किया है, तो जो मैकालेकरण है हमारे मन और शरीर के में जो प्रवेश कर चुका है मैकालेकरण, उसका अंत होगा। यह नीति इसी पर बल दे रही है, और यही नीति जो है भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर भारत के भविष्य को भी तय करेगी। तो व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया, भारत का भविष्य कैसा होगा, कैसे नागरिक होंगे, कैसे हमारे नौनिहाल तैयार होंगे विद्यालयों पाठशालाओं में, कैसे आचार्य होंगे, ये सब नीति में कहा गया है पूरा, अलग अलग है, विचारवान चिंतन, मैं उन पर नहीं जा रहा हूं। तो ये बड़ी सारी, यही पूरा का पूरा जो है, इस पूरी 2020 की जो नीति का जो आधार है, जो स्वरूप है, वो तो ग्लोबल है, वैश्विक है, लेकिन इसकी आत्मा भारतीय है। क्यों? कि यह नीति भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ जुड़ी हुई है। यह पूरी नीति 2020 की का जो रूप है, जो स्वरूप है, वो तो पूरा का पूरा जो है वैश्विक है, ग्लोबल। वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते, विश्वयोः नीडम की बात हमने कही है, तो ये है। और आत्मा इसकी जो है, जो सोल है, वो भारतीय है। तो भारत की जो भारतीयता है, स्वभाषा, जैसे बात हुई थी हमारे आजादी में, स्वभाषा, स्वराज, स्वदेशी पर बल दिया गया था, यह नीति भी इनडायरेक्ट इन पर बल दे रही है। स्वभाषा अपनी जब मातृभाषा, क्षेत्र भाषा में सोचेगा, तो वहां की जो स्थानीय चीजें हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। हमारे सरदे प्रधानमंत्री कहते हैं ना, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल फॉर ग्लोबल, यही नीति अभी चल रही है। इसलिए शिक्षक को अपने ज्ञान, कर्म, भाव और सहयोग से पूरी की पूरी दिशा इसको बदलने की जरूरत होगी। मैं पूरी नीति के बिंदुओं की चर्चा नहीं कर रहा हूं, सबने पढ़ा है, यूनिवर्सिटी के बारे में, विद्यालयों के बारे में कहा गया, शोध के बारे में बहुत सारी बातें कही गई है, और ये जरूर है कि यूनिवर्सिटी के स्वरूप के लिए कहा गया है कि रिसर्च विश्वविद्यालय भी बनेंगे और जो है टीचिंग यूनिवर्सिटी भी बनेगी। तो इन पर बड़ा सारा है, पूरे के पूरे कैसे हम वो करें, पूरा नीति जो है भारतीय ज्ञान परंपरा के परिप्रेक्ष्य में जो है, जो इसके सदस्य गण थे, भारत सरकार ने या इसके जो अध्यक्ष रहे, ये था कि कैसे इस नीति को किस सांचे में ढाला जाए। तो
इसके कुछ चार निदेशक सिद्धांत तय किए गए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के, वो भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी है, कि पूरी शिक्षा प्रणाली जो बनाई जा रही है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, चार स्तंभ की बात कही गई थी, नम्यता हो, इतना ये टाइट या इतना रिजिड ना हो कि इधर उधर बदला ना जा सके, सुविधा के अनुसार इसमें बदलाव भी किया जाए। तो पहली बात इसमें जो इसके निदेशक सिद्धांत तय किए गए इस नीति के, कि इस नीति शिक्षा प्रणाली में पूरी जो शिक्षा प्रणाली होगी, विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, जो भी, उनमें नम्यता, उनमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी हो। दूसरी बात ये कही गई कि सपरेशन न हो, सपरेशन का अर्थ होता अलगाव न हो, आपस में जुड़े विद्यालय। देखिए, विश्वविद्यालय का जो रास्ता है, विश्वविद्यालय का जो मार्ग है, वो तो विद्यालय से ही होकर जाता है, तो विद्यालय और विश्वविद्यालय को जोड़ने की बात कही इस नीति में। और हमारे यहाँ भारतीय ज्ञान परंपरा में, गुरुकुल में, विश्वविद्यालयों में यही था पूरा का पूरा। तीसरी बात कही गई मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी बहुवा पूरा का पूरा, मतलब सबको छूट दिया गया। हिस्ट्री पढ़ने वाला चाहे साइंस भी पढ़ ले, वो दो शब्द दिए गए मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, तो उसमें बहुत सारी बात कही गई है, मतलब एक मल्टी डिसिप्लिनरी बात कही गई कि आप एक विषय के विद्वान, आप मन नहीं कहता है दूसरे साल बदल दीजिए, अब उसका जितना क्रेडिट आपके पास रहेगा बाद में जोड़ दिया जाएगा, लास्ट में क्रेडिट के हिसाब से आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा, चाहे सर्टिफिकेट, चाहे डिप्लोमा, डिग्री, या आप पीजी के लिए पीएचडी के लिए डायरेक्ट चले जाएंगे। चौथी बात कही गई कि पूरी की पूरी इसमें जो शिक्षण अधिगम होगा उसमें क्रिटिकल थिंकिंग पर बल दिया जाएगा, ऐसे नहीं कि आप सोच समझ जो अब तक चला आ रहा है, समीक्षात्मक चिंतन पर बल होगा। इसलिए कैसे शब्द आया है, क्या नहीं, क्या है नहीं, कैसे, तो ये चार जो है वो किया गया। पूरी नीति में ये बात कही गई कि जो हमारा लोअर थिंकिंग है, निम्न स्तर का जो चिंतन है, निम्नतर चिंतन, वो कैसे उच्चतर चिंतन की ओर चले, और उच्चतर चिंतन की ओर तभी चलेगा जब हम स्व से स्वराज की ओर, स्व से स्वभाषा की ओर, स्व से स्वदेशी की ओर, जब अपने से हम ऊपर सोचेंगे, परिवार से समुदाय, समुदाय समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से विश्व, वसुधैव कुटुंबकम का बात जब करेंगे, विश्व शांति की बात करेंगे, तब ये बात आएगी लोअर थिंकिंग से हायर थिंकिंग की तरफ सोचने। नहीं तो हम तो हमारे यहाँ पंचकोशों की जो बात कही गई है उपनिषद में, कि अन्नमय, अन्न से लेकर के आनंदमय, अन्न और प्राण के बीच में ही हमारा जीवन चलता है, इसके आगे कहाँ बढ़ते हैं, मनोमय भी बढ़ गया कुछ तो विज्ञान में तो पहुंच ही नहीं पाते। ये बात कही गई क्रिटिकल थिंकिंग विज्ञान में, जिसमें चेतना की बात होगी। तो ये पूरा का पूरा भाषा, जितने भी देश में भाषा के बैरियर हैं उनको खत्म किया जाए, जीवन कौशलों पर, लाइफ स्किल पर बल दिया जाए, ये हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में था। अगर आप द्वापर त्रेता जितने युग हैं उनमें जो शिष्य परंपरा, महाभारत जाइए, चाहे वाल्मीकि आश्रम जाइए, चाहे भारद्वाज में जाइए, कृष्ण सांदीपनि की में जाइए, पूरे जीवन कौशल की शिक्षा दी जाती थी। अगर जीवन कौशल की शिक्षा नहीं मिलती तो राम अकेले जा करके लंका में थोड़ी विजय प्राप्त कर पाते, सवाल ही नहीं था। अगर जीवन कौशल की शिक्षा नहीं दी जाती तो कृष्ण सांदीपनि में कैसे कितने लोगों को किया है पूरा। तो मतलब ये बातें जीवन कौशल के साथ, और पूरा का पूरा जो असेसमेंट होगा, आकलन होगा, 360, 360 का ये मतलब होता है कि पूरा पूरा का पूरा 360 जो है हमारा होगा। हाँ, ये बात कही गई कि पूरी इसमें टेक्नोलॉजी पर बल दिया जाएगा, और पूरी की इस पूरी शिक्षा जो है उदारवादी रहेगी, लिबरल सबको जो है। और सबसे बड़ी बात इसमें कई रेगुलेटरी की बात कही गई है जो इस नीति में है, और वो सब चर्चा का विषय नहीं है। नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन बनेगा, एनआरएफ बनेगा, है क्रेडिट सिस्टम होगा, एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स होगा, तो ये बड़ी सारी बातें कही गई है। बस मुख्य बात यही कही गई इसमें, जो मैं बार बार फिर वो कर रहा हूं, कि पूरी की पूरी नीति में
ये बात कही कि हमें भारतीय होने का गर्व पता चले, हमें ये पता चले कि मैं भारतीय हूं, बस मैं भारतीय हूं। और भारतीय क्या सोच है? सर्वे भवन सुखने की। भारतीय की क्या सोच है? वसुधैव कुटुंबकम। भारतीय की क्या सोच है? विश्व यो निडम की, जो सबको लेकर चलता है, पूरी मानवता की बात करता है। तो मानव से महामानव की जो बात है भारतीयता जो है, और हमारी जो जड़ें हैं, जो जड़ें काट दी गई, जड़ें सूख गई काल में हजारों साल, मतलब आप ये देखिए कि मतलब सबसे ज्यादा तो इसमें अंग्रेजों ने किया, अंग्रेजों ने दिया भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन शिक्षा प्रणाली को तहस नहस कर दिया, न्याय प्रणाली और शिक्षा प्रणाली जो है बहुत विकृत किया। उसके पहले जो है पूरा का पूरा इस्लामी का वो देखिए। तो एक जो दास होता है, जो नौकर होता है, वो अपने मालिक से जो है वो कर्क वितर्क नहीं कर सकता है, मालिक जो कहेगा वही दास करेगा। तो इतने वर्षों में जो शिक्षा चली पूरी, वो तो दास प्रणाली के साथ ही भाई, मालिक जो कह रहा है वही नहीं मानेंगे तो फिर वो दंड देगा। ये बदलने का जो पूरा का पूरा एक वो रखा गया है इस नीति में, अध्यापक के बारे में, अध्यापक शिक्षा के बारे में है, हर एंगल्स का है। अब मैं थोड़ा सा भारतीय ज्ञान परंपरा के जो बातें हैं इसके परिप्रेक्ष्य में, देखिए भारतीय ज्ञान परंपरा की बात जब करते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारे देश के जो विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, इनमें जो भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं, एक सेट पैटर्न के साथ 1947 से लेकर के जो बनाया गया एक टंक, एक पर्टिकुलर एक एरिया को, पर्टिकुलर व्यक्ति को, पर्टिकुलर एक शासक को, पर्टिकुलर एक विषय को महिमा मंडित किया गया। और महिमा मंडित ज्यादा ज्यादा वो भारत के बाहर के लोगों का किया गया। ऐसा लगता है कि भारत में न कोई वैज्ञानिक था, न कोई विद्वान था, न कोई भाषाविद था, न कोई जो है वो साहित्यकार था, ऐसा लगता है, न कोई मतलब सब महिमा मंडित बाहर, सब बाहर बाहर का। तो ये जो ये है, ये अध्ययन अध्यापन जो है पश्चिमी देशों के की जो प्रशंसा जो की गई है पूरा का पूरा, इसकी वर्जनाओं को तोड़ना है और ऐसे नहीं खत्म करना है जो यहाँ पर जिनको छिपाया गया, यहाँ पर जिनको नेगलेक्ट किया गया, और जो योग्य थे, जो मतलब थे योग्य, उनको पुनर्स्थापित अपने अपने देश के लोगों का आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा, वैज्ञानिक, अपने ऋषि परंपरा के जो थे उनके योगदान को पुनः हम वापस लाए। और पुनः वापस कैसे लाएं? उनके विषयों के साथ उनको जोड़ें। और इसीलिए आप सबको पता होगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो है भारतीय ज्ञान परंपरा का पोर्टल और उस पर नेट शुरू करा दिया है। इस पर 4-5 साल से काम चल रहा था, हम लोग जुड़े हुए थे उससे। तो ये किया गया कि उनको कैसे लाया जाए। देखिए ज्ञान इसमें एक महत्वपूर्ण पक्ष है, ज्ञान। प्रश्न ये भी उठता है ज्ञान क्या है? बड़े संदर्भ में बातें, पश्चात संदर्भ में ज्ञान की बात होती है। ज्ञान के बड़े सारे पर्याय मिलते हैं कि ज्ञान सूचना है, ज्ञान अनुभव है, ज्ञान तर्क है, ज्ञान साधन है, ज्ञान विधि है, या ज्ञान नॉलेज इज पावर, ज्ञान शक्ति है, मतलब बड़ा बहुत सारी, ज्ञान कल्पना है या ज्ञान सोच है, बड़े सारे। लेकिन भारतीय दर्शन में, इंडियन फिलॉसफी में जब बात करते हैं, तो ये कहा जाता है कि ज्ञान जो है मानव जीवन का सार है, इट इज द एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसलिए हमारे यहाँ ज्ञान की बड़ी बात कही गई है, ज्ञानवान बनो, विचारवान बनो, कहा गया ना, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा जो है, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, सत्यम बद, है ना, बड़ी बहुत सारी बातें कही गई भारतीय। आगे जब चलते हैं हम इनके बारे में, तो हमारे यहाँ सब पता होगा कि एक बहुत भारतीय ज्ञान परंपरा की यात्रा जो है वैदिक काल, ब्राह्मण काल, आर्यन काल, चलते चलते अगर आइए तो जैन का जो समय है, जैन काल है, बौद्ध काल है, सूत्र काल है, एक क्रम चल रहा है, निर्बाध, मतलब एक लंबा वो चल रहा है पूरा। और इस तरह से हम देखा, जब हमारे भारतीय दर्शनों में बात आई, तो ज्ञान जो है कहा गया है कि ये मानव जीवन का सार तो है ही है, ये आत्मा का प्रकाश है, नॉलेज द लाइट ऑफ सोल, जिसमें ज्ञान ही नहीं है, वो तो अंधकार के साथ है ना।
तो ये पूरा का पूरा ज्ञान को, और कहते हैं कि सभी ज्ञान सभी शक्तियां मनुष्य की आत्मा में प्रकट होती हैं, और वेदांत में अंतःकरण के साथ इसको मनोबुद्धि अहंकार चित्त करण मंत्रम, मतलब एक बहुत बड़ी वेदांत में बात की गई कि मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण के चार रूप हैं। तो ज्ञान जो होता है ये बड़े सारे जो है प्रत्यक्ष ज्ञान है, अनुमान, वो दर्शन में बहुत सारी बातें कही गई है, अनुमान ज्ञान है, शब्द ज्ञान है, उनमें बात कही गई है। इसी तरह से ज्ञान की प्रक्रिया की जब हम बात करते हैं तो मन को विकारों से कैसे बचाएं। हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में उपनिषद में ज्ञान को विद्या विद्या का नाम दिया गया है, विद्या शब्द का प्रयोग किया गया है, और विद्या के लिए बात आती है, याद होगा, दो प्रकार, परा अपरा है। परा विद्या जो है भौतिक विद्याओं से है, ज्ञान से है, और अपरा आध्यात्मिक से है। हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में जो गुरुकुल थे, जो विश्वविद्यालय थे, वहां अपरा ही विद्या नहीं थी, परा विद्या भी पढ़ाई जाती थी, परा अपरा दोनों विद्याएं पढ़ाई जाती, और आज हम केवल परा विद्या पर ही, अपरा विद्या कुछ जो है हमारे गुरुकुल है, आश्रम है, वहां थोड़ा जिनको वह सम्मान की दृष्टि से नहीं मिलता है। इसीलिए इस नीति ने कहा कि अपरा विद्या पढ़ने वाले जो वेद पाठी हैं, जो संस्कृत पाठी हैं, जो का उच्च वो करते हैं, उनको भी सम्मान दिया जाए। सम्मान कब मिलेगा? जब नीति में स्थान दिया जाएगा। तो ये बात कही गई, और आप सबको पता होगा श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान के अनुसार तीन गुणों की चर्चा की गई, सात्विक, राजसिक और तामसिक। मैं इनकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा, सब जानते हैं। जैन दर्शन में भी ज्ञान के पांच प्रकार कहे गए हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवाधि ज्ञान और मनःपर्यय विज्ञान, कैवल्य। न्याय दर्शन में भी ज्ञान के चार वो किए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमेय, उपमेय और शब्द ज्ञान की चर्चा है। सांख्य दर्शन में प्रत्यक्ष और अनुमानित ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान सब बताया गया है। सबसे अधिक हमें वर्ण अच्छा मिलता है योग वशिष्ठ में। योग वशिष्ठ में ज्ञान की सात भूमिकाएं बताई गई हैं, अवबोधम, विदुर ज्ञानम, तदितम सप्त भूमिकाम, मुक्ति अस्तु, श्रेय मुक्ति, भूमिया सप्त कार्य, मतलब सात इसमें बताया गया, शुभेच्छा विचारणा। अब जब भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय की बात करते हैं हम, तो भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय के क्षेत्र में हमारे यहाँ जो चिंतक रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं, नीतिज्ञ रहे हैं, संत रहे हैं, कलाकार रहे हैं, इन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव से भारत को कैसे समृद्ध किया, इन्हीं चीजों को हमें पुनर्स्थापित करना है। नीति इसी बात पर बल दे रही है कि विज्ञान जो हमारे यहाँ वैदिक गणित थी, हमारे यहाँ विज्ञान के जो पूरे के पूरे रूप थे, तो इस तरह से जो हमारे चार वेद, छह वेदांग, छह शास्त्र, 18 पुराण, 60 नीतियां, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, काव्य, महाकाव्य, नाट्यशास्त्र, शिल्प शास्त्र, 64 कलाएं, इस ज्ञान प्रणाली के स्रोत हैं, ये सब सोर्स हैं, कि इन सब का हमें अध्ययन अध्यापन जो है वैज्ञानिक तरीके से अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनको करना है हमें पूरा का पूरा। अब जब हम प्राचीन प्रौद्योगिकी के बारे में बात करते हैं, हमारे विश्वविद्यालय जो प्राचीन विश्वविद्यालय थे उस समय 32 विषय, जैसे धातु विज्ञान, नौवहन, पर्यावरण विज्ञान, संरक्षण, सौर ऊर्जा, विद्युत बैटरी, नक्षत्र विज्ञान, काल गणना, रत्न विज्ञान, आयुध निर्माण, चिकित्सा विज्ञान, एयर वायुवान, मौसम विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गुरुत्व विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, संचार विज्ञान, जल संरक्षण, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सर्जरी, भूगोल, अर्थ विज्ञान, और 24 व्यावसायिक वोकेशनल सब्जेक्ट्स के में जो है, जिसमें वाणिज्य, कृषि, पशुपालन, पक्षी संरक्षण, यांत्रिकी, रत्न, वस्त्र, मृदु रंग, रंगाई, कढ़ाई, बुनाई, परिचालन, वास्तुशिल्प, जल प्रबंधन, बागवानी, रथयान, नौकायन निर्माण, घर सजाए, बहुत सारी बातों पर चर्चा की है। यह नीति भी यही कह रही है कि स्थानीय भाषाओं के द्वारा, स्थानीय अपनी मातृभाषा के द्वारा पढ़ लिख करके हम अपने पैरों पर कैसे खड़े हों, और हम कैसे
जो यजुर्वेद का मंत्र है, एको हम बहु श्याम, को चरितार्थ करें। हमारे यहाँ पुरुषार्थ चतुष्टय की बात कही गई, धर्म अर्थ काम मोक्ष हमारी परंपरा के स्तंभ हैं और भारत की आकांक्षा हमेशा रही है वसुधैव कुटुंबकम की। पूरा विश्व जो है हमारा परिवार है, हम उस परिवार के सदस्य हैं। तो इस रूप में भारत के, जैसे अगर हम बात करें ज्ञान, जो शिक्षा नीति ने जिस पर बल देने की बात कही है, जैसे हमारे यहाँ दशांश, जो विश्व में दशांश प्रणाली है, दशमलव जिसको बोलते हैं, दशमलव प्रणाली के आविष्कारक जो है लगभग 5,500 वर्ष पूर्व जो है मेधातिथि ने दिया था, लेकिन मॉडर्न मैथमेटिक्स को पढ़ाने वाला मेधातिथि नहीं पढ़ाया जाता है। नीति इसी बात पर बल दे रही है कि जो मॉडर्न मैथमेटिक्स पढ़ रहा है कम से कम मेधातिथि के भी तो पढ़े। यही है भारतीय ज्ञान परंपरा का काल गणना। और इनका जो है, माधवाचार्य ने जो है गणना जो है कैलकुलेशन की बात कही थी, इसी तरह से भास्कराचार्य, भास्कराचार्य ने जो है लीलावती ग्रंथ लिखा, एक उनका जो है सिद्धांत शिरोमणि भी ग्रंथ है। भास्कराचार्य बहुत बड़े जियोलॉजिस्ट थे, भूवैज्ञानिक थे, लेकिन भू विज्ञान जहाँ पढ़ाया जाता है जियोलॉजिस्ट, वहां भास्कराचार्य को नहीं पढ़ाया जाता है। नीति यही कह रही है कि अपने प्राचीन जो हमारे, जो हमारी ज्ञान है उसको कैसे इसके साथ जोड़ा जाए। इसी तरह से बड़ा ही एक लंबी श्रृंखला है, आप अगर देखें आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने जो आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा, उसमें जो है जबकि वो, और कणाद वैशेषिक दर्शन के हैं, जबकि कणाद जो है परमाणु विज्ञान के वैज्ञानिक भी थे, वैशेषिक दर्शन मतलब दार्शनिक थे आचार्य, और कणाद जो है वो वैसे जो है परमाणु सिद्धांत दिया। अब जितने भी फिजिक्स पढ़ने वाले लोग हैं, कणाद पढ़ाया नहीं जाता है, तो पढ़ाया जाए, अब ये शुरुआत करने की बात है। इसी तरह से महर्षि भारद्वाज हुए, भारद्वाज तो ऋषि थे ही, उनके दो, उनके दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं यंत्र सर्वस्य अंशबोधिनी और विमान शास्त्र का उन्होंने पूरा विवरण दिया है। एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग में इनको पढ़ाया नहीं जाता है, तो ये नीति यही कह रही है ना कि अपनी ज्ञान परंपरा को, जड़ों को जोड़िए, हम जोड़े हम। हमारे महर्षि कपिल सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक रहे हैं, सांख्य शास्त्र का पूरा उन्होंने, कपिल ने वो दिया, लेकिन उन्होंने भौतिक वैज्ञानिक भी थे वो, फिजिक्स। अब जो दर्शन पढ़ता है वो महर्षि कपिल को केवल सांख्य शास्त्र का दार्शनिक ही केवल मानता है, बस फिजिक्स में चूकी हो, जबकि फिजिक्स के भी आदमी थे। उनका जो है भौतिक शास्त्र का जो है उनका ग्रंथ जो है षष्ठी तंत्र, बहुत फिजिक्स का एक ग्रंथ है ये, पूरा का पूरा उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में जानकारी दिया है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स में जो पढ़ाया जाता है। तो ये इसी तरह से बराह मिहिर जो है वो महाराजा विक्रमादित्य के नौ रत्नों में थे, उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका, नक्षत्र प्राणी शास्त्र, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे वो। और लोग जो है संस्कृत वाले सोचते हैं बराह मिहिर तो बस संस्कृत का ग्रंथ लिख दिए, तो ये है, यही सब बातें हैं। इसी तरह से धन्वंतरी का नाम आता है, धन्वंतरी जो है बहुत बड़े सर्जन थे, 124 औजारों का उन्होंने किया। भारत में तो मैंने नहीं देखा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न एक यूनिवर्सिटी है मेडिकल, उसके गेट पर ही धन्वंतरी की स्टेचू है, नीचे लिखा है फादर ऑफ सर्जरी, सर्जन मतलब फादर ऑफ सर्जरी। तो सुश्रुत ने जो है आविष्कार किए। इसी तरह से महर्षि अगस्त्य हैं, महर्षि अगस्त ने जो है उन्होंने अगस्त संहिता लिखी, और अगस्त संहिता बैटरी का आविष्कारक ये है, जबकि क्रेडिट डेनियल को मिला, महर्षि अगस्त्य का। धन्वंतरी है जो हमारे धनतेरस को मनाया जाता है दर्शन, इसमें व्यापारी लोग है वो तो वास्तव में धन्वंतरी के नाम पर है। आरोग्य कैसे हम बने, मेडिसिन के बहुत बड़े वो थे धन्वंतरी जी, इन्होंने जो है पूरा का पूरा
एक वो दिया, बाघ भट्ट इसी तरह से रहे। बाघ भट्ट भी ने जो है वो लिखा पूरा आयुर्वेद का हृदयाष्टम, एक ग्रंथ है हृदयाष्टम, कैसे हम आरोग्य रहे, कैसे निरोग रहे। इसी तरह से महर्षि चरक हुए हैं, उन्होंने चरक संहिता लिखी। चरक संहिता में जो है आचार्य के बड़े सारे गुणों का उल्लेख किया है उन्होंने। अब देखिए मतलब वो अध्यापक शिक्षक और इसके बाद इसके साथ साथ जो है वो आयुर्वेद के वो डॉक्टर, तो हमारे ऋषियों की इस तरह से जीवन के आचार्य थे सब पूरे के पूरे। इसी तरह से महर्षि पतंजलि को, महर्षि पतंजलि को योग वाले केवल मानते हैं कि योग का महर्षि पतंजलि थे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें योग के तो थे ही, योग शास्त्र और योग प्रति लिखे ही, लौ शास्त्र का एक ग्रंथ लिखा है उन्होंने, बहुत बड़े अयस्क लौ शास्त्र के, लौ शास्त्रम, जिसमें उन्हें अनेक धातुओं का वर्णन किया हुआ है। देखिए हमारे ऋषियों का वैज्ञानिक भी, तो यही बात नीति कह रही है ना, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिस्ट। जब हमारे ऋषि हो सकते थे तो आज क्यों नहीं हो सकते हैं हम? एक दार्शनिक जो है वो वैज्ञानिक बन सकता, वैज्ञानिक भी है तो आज भी जो है दर्शन पढ़ने वाला विज्ञान क्यों नहीं पढ़े? इसलिए वो किया गया है, जो फ्लेक्सिबिलिटी किया गया है भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनः लाने के लिए। नागार्जुन हुए थे, बहुत बड़े रसायनविद थे, मैं वर्ष और इन सब का नहीं जा रहा हूँ, रस हृदयम, आरोग्य मंजरी, योग सार, योगाष्टक, इनके बड़े सारे ग्रंथ हैं। पूरा रसायन का केमिस्ट्री पढ़ने वाला जो साइंस का है वो वहां पर नागार्जुन को पढ़ाया नहीं जाता। तो अब यूजीसी ये प्रयास कर रही, सरकार कर रही इस नीति के माध्यम से, बहुत सारे हमारे भारत में संत परंपरा रही है, नीति भी कह रही है कि अपने यहाँ के संतों को, अपने यहाँ की जो स्मारक हैं, मेले हैं, त्योहार हैं, नीति में है बातें सब, उनको कैसे लगे। अब पूरा का पूरा देखिए देश कैसे है, शंकराचार्य ने चार मठों की स्थापना की, इसी तरह से चले आदि शंकराचार्य के बाद अगर चले कर्नाटक में चले हम, तो एक बसवेश्वर महाराज हुए हैं जिनकी कर्नाटक में लिंगायत के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने जीवन जीने की शिक्षा दी। महाराष्ट्र में अगर चलते हैं संत ज्ञानेश्वर जी हैं, संत तुकाराम हैं, बहुत बड़े। फिर अपने इधर उत्तर भारत में आइए तो संत कबीर मीरा, एक बड़ी लंबी परंपरा है, कितनी नाम लिए जाए, पूरा सूरदास है, रविदास है, तुलसीदास, रसखान, पूरा का पूरा। तो ये जो हमारे भारत के धरोहर है इनको फिर से पुनर्स्थापित किया जाए और विषयों के साथ जोड़ा जाए। बहुत सारे हमारे महर्षि ऋषि गुरु परंपरा में, अगर सिख में आप आइए तो गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद, गुरु तेग बहादुर, मतलब एक लंबी परंपरा। संस्कृत की बात जब है पूरा का पूरा आप देखिए, हमने पहले भी बताया कि अपने समृद्ध साहित्य के कारण संस्कृत आज जीवित है और जीवित रहेगी, इसको कोई हटा नहीं सकता है। लिखा कम जा रहा है, पढ़ा भी कम जा रहा है, ऐसा नहीं बढ़ रहा है, बदतु संस्कृतम, सिर्फ संस्कृत नहीं चलेगी, संस्कृत चलेगी जब तक इसके अंदर प्रेम और दूसरे विषयों के साथ हम नहीं जुड़ेंगे। तो ये एक बड़ा क्रम है, और भर्तृहरि से लेकर के आप देखिए कालिदास, अस्ति कश्चित वाक् है, वो जो है पूरा का पूरा कालिदास ने कितना बड़ा, वो कालिदास तो न कालिदास की तरह न होगा न कोई पैदा होगा। भर्तृहरि ने पूरा का पूरा देखिए वाक्पदियम से लेकर के इधर इधर शतकम लिख रहे हैं तीनों, नीति सतम वैराग्य और पूरा का पूरा श्रृंगार, और उधर वाक्य पदी मतलब कितना देखे दोनों। यह नीति यही कह रही है कि आप जैसे हमारे ऋषि हमारे प्रमाण है उसी तरह से बनना है, नहीं कि एक विषय का आप बन जाइए। यहाँ तो व्याकरण पढ़ने वाला केवल व्याकरणविद रहेगा, साहित्य और दर्शन नहीं पढ़ाएगा। दर्शन वाला कहेगा नहीं मैं तो दर्शन का हूँ, फिजिक्स वाला कहेगा है आम ओनली फिजिशियन, फिजिक्स का हूँ मैं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन हमारे उदाहरण मिल रहे हैं, यह नीति इनडायरेक्ट कह रही है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ जो है उनको पढ़ने, हमारे यहाँ बड़ी विद्याओं की भी चर्चा है, लगभग 34 विद्याओं की चर्चा है, इन पर भी काम होना बहुत बाकी है। पाणिनि शिक्षा, नारदीय शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा, व्यास शिक्षा, पराशरी शिक्षा, वशिष्ठी शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, मांडू, बड़ी लंबी वो है पूरा, ये विद्याएं थी पूरा का, 64 कलाएं थी, 64 कलाएं, 64 ऋषि ये थे हमारे, तो इनके जो है भारतीय ज्ञान परंपरा में पूरा का पूरा जो है। भाषा की यात्रा की जब बात करते हैं, मैं संस्कृत की दो शब्द की महत्ता बता दूं, 56 विषय मैंने बताया था कि लगभग निकले हैं,
हमारी भाषाएं कैसे यात्रा करती हैं, दुनिया के जो शब्द बने उन भाषाओं में संस्कृत से कैसे निकले हैं। उदाहरण के लिए, ये तो बिल्कुल सही है कि भारत भारतीय ज्ञान परंपरा का अगर आधारभूत स्तंभ कोई भाषा है तो संस्कृत है। सभी भाषाओं का तो जन्म हुआ है, संस्कृत भाषा का अवतरण हुआ है। जन्म और अवतरण में अंतर होता है, शब्दों के मैं संदर्भ बात कर रहा हूं। जन्म में तो एक दो लोगों का मतलब हो, अवतरण होता है दैवी आधार, इसलिए इसको देववाणी कहेगी। तो जिस भाषा का अवतरण हुआ है, उस अवतरण भाषा ने, संस्कृत भाषा ने दुनिया के कितनी भाषाओं को जो है आधार दिया। उदाहरण के लिए, जैसे शून्य शब्द है, शून्य, शून्यम, शून्य संस्कृत शब्द है। शून्य जैसे अरब में जा रही है, अरब का मतलब जो यात्री अरब गए, जो लोग गए, यही शून्य अरब में जाकर के सिफर हो गई अरबी भाषा में। शून्य है ओरिजिन, उसकी मदर है शून्य, अरब में जा रही सिफर बन गई। और जैसे अरब से चली ये भाषा यूनान में पहुंची है, वहां पर ये जीफर हो गई। शून्य, सिफर, जीफर और यूनान, यूनान का मतलब ग्रीक, रोम, ये सब जो है। और जैसे यूनान से यूरोप में आ रही है, ये जीरो हो गई। तो जीरो का जो जीरो शब्द बोलते हैं, मैंने बी टॉक अबाउट द जीरो, जीरो शब्द आया कहां से? शून्य से आया है। शून्य अरब में जो है सिफर, यूनान में जीफर और यूरोप में जीरो बना। तो जीरो बना कैसे? शून्य से बना है। यह नीति यही कह रही है कि अपने संस्कृत भाषा की महत्ता को, मातृ शब्द, मातृदेव भव, मातृ शब्द है, संस्कृत का शब्द है। अरबी में यही मातृ शब्द, अरबी भाषा में मादर शब्द बोला जाता है। और जैसे वह ग्रीक में यही मातृ शब्द जो है मानेर बोला जाता है, और यूरोप में मदर शब्द। ऐसे कम से कम लाखों शब्द हैं, किनकी चर्चा करें। पितृ शब्द है पिता, पितृ शब्द, जैसे हम पिता के बारे में बात करते हैं, तो बहुत सारे मतलब क्रम में पिदर, पीटर, फादर, ये तो ये एक अनूठी परंपरा रही है। और भारत में लगभग जो है हमारे यहाँ लोक मंगल की कामना तो 5,000 सनातन परंपरा है, जिसका जो चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली है। इसीलिए हमारे यहाँ गीत गायन संगीत नाटकेषु पंचम वेद है, भरत मुनि का नाटक हो, गीत गायन संगीत में जिसमें बात के सत्यम शिवम सुंदरम की बात कही गई, दुनिया के किसी जगह पे बात नहीं उठ रही है। तो दर्शन हो, साहित्य हो, कला हो, विज्ञान हो, शिक्षा हो, विधि हो, जितने भी विषय हैं, जो बातें अभी चर्चा की है, ये सब यही है कि वेदों का जो आधार है हमारे सत्यम शिवम सुंदरम का, कि सामवेद अगर जो है ज्ञान जो है ज्ञान है, तो यजुर्वेद में छंद विधान है, छंदों की बात है। अथर्ववेद में जो है भरा पूरा संसार है। तो यही भारतीय ज्ञान परंपरा की समृद्ध जो विरासत है, हमें इसे सजोकर आने वाली पीढ़ी को सौंपना है। आवश्यकता यही है कि यह नीति के आधार पर हमें पुनः अपना मंथन करना होगा, पुनः चिंतन करना होगा, पुनः आत्मावलोकन की जरूरत है। हमारी कितनी समृद्ध परंपरा रही है दुनिया में, जिसके कारण हम दुनिया के लोग, एशिया के दोस्त जो है पढ़ने के लिए हमारे यहाँ लोग आते थे यहाँ पर। तो ऐसी उसी चीज को अब पुनः किया जा रहा है कि यहाँ से विद्यार्थी दुनिया के देशों में न जाए, बल्कि हमें अपने ज्ञान के दुनिया के देशों को यहाँ बुलाएं और यहाँ लोग पढ़ें। तो यह नीति जो है भारतीय ज्ञान परंपरा को जो है एक, जिसको कहते हैं कि पुनर्जीवित करने की, अपने जड़ों से जुड़ने की, भारत की भारतीयता को पुनः जुड़ने की बात कर रही है। तो मैं ये बात मतलब अपनी बात को यहीं पर मैं विराम देना चाहता हूं कि देश
अगर अपनी भाषा, बोली, साहित्य, दर्शन, ज्ञान विज्ञान से यदि अक्षुण है, संरक्षित है, तो निश्चित है कि उसकी पहचान दुनिया के देशों में मिलेगी। यह नीति इसी बात पर बल दे रही है कि हम कैसे पश्चिमी देश की जो वर्जनाएं हैं, उनको, जो बैरियर हैं, उनको कैसे तोड़ें और मैकालीकरण का अंत कैसे हो। इंडिया से भारत में हम अपने को कैसे एक गर्व महसूस करें। अनेक विषयों में जो तोड़ मरोड़ करके बातें प्रस्तुत की गई, परोसा गया, आधा अधूरा भाषी ज्ञान, उसको कैसे पूर्ण बना करके हम तरोताजा बनाएं और दुनिया को हम यह एहसास कराएं, अवगत कराएं, परिचय कराएं कि भारत महान था। क्योंकि कहा भी गया ना, भारत ही थी, भारत है, भारत की संकल्पना ही है जो प्रकाश में सदैव रत रहा है, और प्रकाश में जो सदैव सत रहने वाला है वो सत पर चलता है। इसीलिए हमारे यहाँ सच्चिदानंद की संकल्पना की गई थी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संस्कृत शौर्यम के प्लेटफॉर्म से राजकुमार जी ने जो हमें अवसर दिया है, उनको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। जो भी श्रोता बातों को सुने हैं, उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इस जो आभासी प्लेटफॉर्म है, साथ देने के लिए इसको भी धन्यवाद। सभी श्रोता को हमारा बहुत सत सत नमस्कार, धन्यवाद।